सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, ऐश ने अब तक की अपनी इस जर्नी में बहुत सारे बैटल्स लड़े हैं, और यार काफ़ी बार ऐसी बैटल्स भी आई हैं जिनमें हमको लगा था कि ऐश का जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन यार फिर भी ऐश ने उन बैटल को जीता है। तो यार आज मैं तुम लोग को ऐसे ही टॉप 6 बैटल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें ऐश का जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन यार फिर भी ऐश ने उन बैटल्स को जीता। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। अब बिना किसी देरी के आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऐश वर्सेस टोबियास। तो यार ये जो बैटल है ये हुई थी सिनो लीग के अंदर। सिनो लीग के अंदर यार तुम लोग को याद ही होगा ऐश मस्त मैचेस जीते जा रहा था, और हमको लग रहा था कि यार ऐश इस बार फाइनली जीत जाएगा सिनो लीग। लेकिन यार तभी हमको इंट्रोड्यूस कराया गया एक नए कैरेक्टर से जिसका नाम था टोबियास, और यार ये बिल्कुल मतलब एकदम हैकर बंदा था। इसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन और मिथिकल पोकेमॉन थे। टोबियास ने अपना सबसे पहला पोकेमॉन डार्करय निकाला था, और डार्करय ने ऑलमोस्ट ऐश की पूरी टीम हरा दी थी। और तुम लोग को पता ही होगा यार, टोबियास का जो डार्करय था वो अपनी पूरी जर्नी में एक भी बार कभी भी किसी भी ट्रेनर से नहीं हारा था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था। तो यार इस पॉइंट पर तो सबको लगने लगा था कि अब ऐश बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा डार्करय से, मतलब डार्करय को कोई हरा ही नहीं पाएगा ऐश का पोकेमॉन, क्योंकि यार वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था, मतलब एकदम इम्पॉसिबल था यार अब ऐश का जीतना। लेकिन फिर ऐश ने निकाला अपना सेप्टाइल, और सेप्टाइल ने हरा दिया डार्करय को, जो कि यार एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, और ये डार्करय की सबसे पहली हार थी। हालांकि ऐश जो है पूरी बैटल तो नहीं जीत पाता, आखिर में आके टोबियास ही जीत जाता है, लेकिन यार ये वाली बैटल जो थी यानी कि डार्करय से ऐश के पोकेमॉन्स की बैटल, ये काफ़ी एकदम इम्पॉसिबल सी लगने लगी थी कि अब नहीं जीत पाएगा ऐश, लेकिन फिर भी यार ऐश के सेप्टाइल ने हराया तो काफ़ी बड़ी बात थी। नंबर 2, ऐश वर्सेस ड्रेक। ड्रेक को यार तुम लोग एकदम अच्छे से जानते ही होगे, ये ऑरेंज लीग का चैंपियन है। इसके और ऐश के बीच में काफ़ी तगड़ी बैटल हुई थी ऑरेंज लीग में। ड्रेक जो यार वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग ट्रेनर था, और किसी को भी नहीं लग रहा था कि ऐश जो है ड्रेक से जीत पाएगा। और यार खासकर उस मोमेंट पे जब ड्रेक के ड्रैगनाइट ने हरा दिया था ऐश के चार्जार्ड को, तब तो भाई सबकी उम्मीद ही टूट गई थी, क्योंकि ऐश का चार्जार्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन था ऐश का, उसको ड्रेक के ड्रैगनाइट ने हरा दिया, फिर तो पिकाचू से किसी को ज़्यादा उम्मीद थी नहीं। और यार इस मोमेंट पे तो अब सबको लग गया था कि ऐश का जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐश इस लीग को भी हारने वाला है। लेकिन यार बैटल के एंड में ऐश के पिकाचू ने हरा दिया ड्रैगनाइट को, जो कि यार बिल्कुल अनबिलीवेबल था, और काफ़ी गजब मैच थी है। और ऐश का जीतना है बिल्कुल ना के बराबर लग रहा था, लेकिन आखिर में ऐश जो है जीत जाता है इस बैटल को। नंबर 3, ऐश वर्सेस सबरीना। तो यार ये कैंटो की एक जिम बैटल है, और मेरे ख्याल से ये भी ऐश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल बैटल थी जीतने में। तुम सब लोग को यार एकदम अच्छे से याद ही होगा, ऐश ने सबरीना से 2 बार बैटल करी थी। सबसे पहली बैटल में ऐश बुरी तरीके से हार गया था, इसीलिए फिर वो घोस्ट टाइप पोकेमॉन पकड़ने जाता है, और वो हॉन्टर को अपने साथ पकड़ के लेके आता है। फिर तुम लोग को पता ही है यार, हॉन्टर तो अचानक से गायब हो जाता है, और सेकेंड बैटल में ऐश जो है फिर से हारने की कगार पर होता है। मतलब भाई एकदम इम्पॉसिबल ही था उसको जीतना, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला था सेकेंड बैटल भी। लेकिन यार तभी अचानक से हॉन्टर जो है वो आता है, और वो अजीब अजीब से चेहरे बनाने लग जाता है, और उन चेहरों को देख के सबरीना जो है वो हंस जाती है, और वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार हंसी थी इस टाइम पे। तो यार ऐश ने अब तक सबरीना को हराया भी नहीं था, और एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था कि ऐश जीत पाएगा, ऐश के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल बैटल लग रही थी है। लेकिन यार क्योंकि ऐश के पोकेमॉन की वजह से सबरीना जो है सबसे पहली बार हंसी थी, इसी वजह से सबरीना के डैड जो है वो ऐश को विनर बता देते हैं। मतलब यार ऐश ने बैटल जीती भी नहीं थी, और उसके जीतने का कोई चांस भी नहीं लग रहा था, एकदम इम्पॉसिबल बैटल लग रही थी ऐश के लिए। लेकिन क्योंकि सबरीना जो है वो हंस जाती है, इसी वजह से ऐश बैटल जीत जाता है। नंबर 4, ऐश वर्सेस टीम रॉकेट। तो यार ये ऐश की कोई भी लीग बैटल या फिर कोई भी जिम बैटल नहीं थी, ये अलोला रीजन में एक बैटल हुई थी ऐश के और टीम रॉकेट के बीच में, जो कि यार बिल्कुल भी कोई नई चीज़ नहीं है, हर रीजन में होती रहती है ये तो। लेकिन यार इसमें नया ये हुआ कि इसमें पहली बार टीम रॉकेट ने एक फेयर मैच में ऐश को हरा दिया, ऐश के राउलेट और पिकाचू दोनों को हरा दिया, और ये बिल्कुल पहली बार हुआ था कि फेयर मैच में हराया टीम रॉकेट ने ऐश को। तो अब यार ऐश के पोकेमॉन एकदम इंजर्ड पड़े हुए थे, और अब लग रहा था कि यार अब तो ऐश का जीतना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मतलब इस बार तो यार चोरी हो जाएगा अब ऐश का पिकाचू। लेकिन यार तभी पता है क्या होता है, बीवर आ जाता है और वो टीम रॉकेट को उठा के ले जाता है। तो यार एक तरह से देखे तो फिर इस बैटल में ऐश की जीत हो गई, क्योंकि टीम रॉकेट को तो भाई बीवेयर उठा ले जाता है। तो यार ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, अब तो किसी को भी इस टाइम पे नहीं लगा था कि अब ऐश का पिकाचू इस बार बच पाएगा, लेकिन यार बीवेयर उठा ले जाता है टीम रॉकेट को। नंबर 5, ऐश वर्सेस ब्रॉक। तो यार ये भी ऐश के कैंटो का एक जिम बैटल था, और देखा जाए तो यार ये भी ऐश के लिए बिल्कुल एक इम्पॉसिबल बैटल था।
मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार इस टाइम पे ऐश को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस भी नहीं था बैटल करने का खास, और ये उसका सबसे पहला जिम बैटल था। और ब्रॉक जो है काफ़ी स्ट्रांग था उस टाइम पे, तुम लोग को पता ही होगा। और यार ऐश के पास बहुत बुरा टाइप डिसएडवांटेज भी था, जो कि काफ़ी बुरी बात थी ऐश के लिए। तो इस वजह से यार ये मैच बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था कि ऐश जीत पाएगा। और फिर जब ऐश के और ब्रॉक के बीच में बैटल हुई तो ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई, ब्रॉक ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया ऐश को। और फिर जब सेकंड बैटल हुई उसमें भी ऐश जो है फेयर तरीके से नहीं जीत पाया, मतलब थोड़ा अनफेयर हो गया था यार वो एक तरह से, क्योंकि पानी गिर गया था ऑनिक्स के ऊपर। लेकिन यार फिर भी ब्रॉक जो है वो ऐश को जिम बैच दे देता है, हालांकि ऐश जो है ब्रॉक को अच्छे से हरा नहीं पाया था तब भी दे देता है वो। तो यार जो भी हो, मेरे ख्याल से तो यार उस टाइम फेयर तरीके से ऐश जो है ब्रॉक को बिल्कुल भी नहीं हरा पाता, क्योंकि उस टाइम ब्रॉक काफ़ी स्ट्रांग था। हालांकि अब जाके ऐश काफ़ी स्ट्रांग हो गया है ब्रॉक से, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन यार उस टाइम पर ऐश का ब्रॉक से जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, वो बैटल बिल्कुल इम्पॉसिबल थी ऐश के जीतने के लिए। लेकिन फिर भी यार जैसे भी ऐश जो है बैटल को जीत जाता है। नंबर 6, ऐश वर्सेस ल्यूटिनेट सर्ज। तो यार ये भी ऐश की कैंटो की एक जिम बैटल थी, और यार ये बैटल भी काफ़ी सही थी। मेरे अकॉर्डिंग यार ऐश का ये बैटल जीतना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि यार तुम सब लोग को एकदम अच्छे से याद होगा ल्यूटिनेट सर्ज जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग जिम लीडर था। यार सही में उसका जो राइचू था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि सारे पोकेमॉन्स को हॉस्पिटल भेज दे रहा था वो अपने एक थंडरबोल्ट की मदद से, इतना पावरफुल था उसका थंडरबोल्ट। और यार उस टाइम कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं था जो कि ल्यूटिनेट सर्ज के राइचू को हरा पाया हो। फिर गया यार ऐश जिम बैटल लड़ने के लिए, और यार बाकी सब जैसा ही हाल हुआ, ऐश का भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार गया ऐश का पिकाचू राइचू से। और यार अब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐश का पिकाचू जो है उस राइचू को हरा पाएगा। फिर ऐश ने उसको इवॉल्व करने का भी ट्राई किया पिकाचू को, लेकिन पिकाचू ने मना कर दिया। तो यार हर किसी को एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था कि ऐश का पिकाचू नहीं जीत पाएगा बैटल। फिर लेकिन यार सेकेंड बैटल में ऐश के पिकाचू ने हरा दिया राइचू को, मतलब यार पिकाचू ने बिना इवॉल्व हुए अपने थर्ड एवोल्यूशन को हरा दिया, जो कि यार एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो यार ये बैटल मुझे तो एकदम इम्पॉसिबल लगा था कि ऐश नहीं जीत पाएगा, लेकिन यार फाइनली ऐश जीत जाता है और ऐश को बैज मिल जाता है। तो फिर यार यही थी हमारी आज की वीडियो। और हाँ यार, वीडियो में मैंने जो भी बोला सब मेरा ओपिनियन था, अगर तुम लोग मुझसे सहमत नहीं हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। और यार अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना। ये रहे हमारे पोके क्विज विनर्स और आज की पोके क्विज। मैं मिलूँ तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।